लोग बोलते हैं कि कनाडा आ गया, पिछले 2 साल में तेरी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए हैं। मतलब अगर मैं कंपेयर करूँ ना अपनी लाइफ को एज सच इंडिया की लाइफ से, जब मैं 2022 में इंडिया में था, एंड अगर मैं अभी कंपेयर करूँ ना गाइस, तो मतलब बहुत चेंजेस आ चुके हैं लाइफ में। पहले थोड़ा मैं इम्पेशेंट था, अभी भी हूँ पर इतना नहीं हूँ। पहले मैं चीज़ों को लेके घबरा जाया करता था, घबराता अभी भी हूँ पर उतना नहीं घबराता। पहले मैं चीज़ों को लेके एक्साइटेड होता था, अब कनाडा आने के बाद थोड़ा ठहराव आ गया लाइफ में, या मतलब ज़िंदगी में ठहराव आ गया, दिमाग में ठहराव आ गया। पहले मैं लोगों के जाने का इतना बुरा नहीं लगाता था, कि जब लोग लाइफ से जाते थे तो मेरे को इतना ऐसा इफेक्ट नहीं होता था, पर अब वो जो अफेक्शन लेवल है ना, मैं बहुत ज़्यादा अफेक्ट होने लग जाता हूँ कि कोई मेरी लाइफ से जब जाता है। तो ये चीज़ मेरे को लगता है कि बहुत नेगेटिव चीज़ है, कि अगर मेरी लाइफ से कोई जा रहा है, ये कनाडा आने के बाद मेरे में जो नेगेटिव चीज़ आई है कि मैं लोगों से इफेक्ट हो रहा हूँ जो मेरी लाइफ से जा रहे हैं, जो कि मेरे को नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहले मैं सिचुएशंस को ऐसे डील नहीं कर पाता था, सबको, मेरे घर वालों को पता है, मेरे फ्रेंड्स को भी पता है, बाहर आके भी ऐसी ऐसी सिचुएशन हुई है जो आप लोगों को बता नहीं सकता है, वो मैंने डील करी है। वो लड़का जो इंडिया में शायद जो 1 रुपया नहीं कमाता था, जिसने 1 पैसा नहीं कमाया, 2.5 पैसा, 25 पैसा, 10 पैसा नहीं कमाया, वो लड़का बाहर आके मतलब अराउंड 2.5 महीने के अंदर $10,000 जोड़ देता है, अराउंड $20,000 पाँच महीने के अंदर जोड़ के अपनी फीस भर देता। तो आप खुद के ऊपर प्राउड होता है कि मैंने ये सब किया, एंड ये चीज़ें मैं इंडिया में था तो मैं खुद सोच भी नहीं सकता था कि मैं कर पाऊँगा। कई बार क्या होता है कि फैमिली कंडीशंस, फैमिली प्रेशर, प्रेशर तो नहीं बोलूँगा पर जो दिमाग होता है ना, कि वो चीज़ें जो हमने पीछे पास्ट में देखी होती हैं, अगर हम वो चीज़ें यहाँ पे आके रिपीट करें तो गिल्ट फील होता है। तो जब यहाँ पे मैं एक एक दिन खाली बैठता था ना, जब मेरे पे स्टार्टिंग में जॉब नहीं थी, या फिर बीच में एक ऐसा पीरियड आया था कि मेरे पास जॉब नहीं थी, तो मेरे को अंदर से गिल्ट फील होता था और चीज़ें याद स्ट्राइक करती थी कि मैं क्या करने गया हूँ। तो बड़ा सोचने लगा हूँ यहाँ पे आने के बाद, ये भी फ़र्क आया है। ठीक है, अब लोग एज सच बोला कि मैटर करते हैं, इफेक्ट पड़ने लगा है, तो वो चीज़ें ठीक करनी है, एंड इम्पोर्टेंस समझ में आई है फ्रेंड्स की, फैमिलीज की, मॉम, डैड, सिस्टर, पहले भी थी इम्पोर्टेंस पर वो इंडिया में रह के किस लेवल की होती है हमें भी पता है, आप लोगों को भी पता है। तो ये चेंज आया मेरे अंदर काफ़ी टाइम से, ये चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस करी है, क्योंकि आज मेरी खुद की बहन ने पूछा कि तूने कनाडा से आने के बाद, सॉरी कनाडा आने के बाद पिछले 1.5 साल में, 2 साल में क्या सीखा है, तो क्या तू अपने अंदर चेंज एक्सपीरियंस कर रहा है। तो ये चेंजेस मेरे अंदर आए हैं। चेंजेस एज सच इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, पर आई फील कि पहले मैं एक लड़का था, एक बॉय काइंड ऑफ था, एक इंसान आदमी, मतलब होता ना कि रिस्पॉन्सिबल मैन बन चुका हूँ, जो मैं इंडिया में बिल्कुल भी नहीं था या तो। एंड अंदर से ये आ गया कि कुछ करना है, जज्बा आ गया है, पहले काइंड ऑफ जज्बा पहले भी था पर इंडिया में बैठे बैठे वो जज्बा समझ में नहीं आता था, पता नहीं क्यों, बुरा मत मानना गाइस, पर पता नहीं क्यों मेरे को कभी वो चीज़ समझ में इंडिया में नहीं आई। बाहर आने के बाद ये पता चला है कि उस टाइम ये था कि कैसे ना कैसे करके इंडिया छोड़ना है, इंडिया छोड़ना है, इंडिया में कुछ नहीं है, इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, पर अब पता चला है कि यार इंडिया इज़ लव, इंडिया इज़ एवरीथिंग। वो झंडा देख रहे हो कैनेडा का, अब आप बोलोगे आप इंडिया का झंडा क्यों नहीं लगाते हो, मैंने अमेज़ोन पे ऑर्डर करा हुआ है, एंड वो इसलिए भी है क्योंकि करंट इन कैनेडा वो झंडा नाम को सूट करता है। ठीक है, तो नाम को इससे चाहिए नहीं कि, पर चैनल के नाम को सूट करता है। जल्दी आपको वहाँ पे दीवार पे इंडिया का फ्लैग दिखेगा, आई प्रॉमिस यू गाइज, बहुत जल्दी दिखेगा। एंड एक सेटअप टाइप बनाने की उम्मीद, बनाने का सपना था, एक है अभी भी दिमाग में कि एक सेटअप होना चाहिए यूट्यूब से रिलेटेड, एक प्राइवेट रूम अपना, पर अभी वो सपना ही लग रहा है क्योंकि अभी सिर्फ एक ही जॉब कर रहा हूँ मैं। एंड भगवान होता है ना कि जब हम लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रहे होते हैं ना, तो भगवान आपको सही टाइम पे गाइड करता है, सही टाइम पे आपको चीज़ों की तरफ लेके जाता है। जब मैं आज से तकरीबन 6 महीने पहले जब मैं सोचता था, मेरे पे एक ही जॉब थी वेंडीज की, एंड जब मैं सोचता था कि
कैसे फीस भरूंगा, कैसे सब होगा। तो गुरुजी से बात करता था, गुरुजी से पूछता था। तो गुरुजी मेरे को, घर वाले एक ही चीज़ बोलते थे कि जस्ट बिलीव इन गॉड, बिलीव इन गुरुजी। तो सब हो गया। एंड जब मेरी सेकंड जॉब भी गई, जब मतलब मैं दो जॉब करता था हमेशा, मेरे लिए प्राइमरी था, जो प्राइमरी जॉब मेरी थी वो वेंडीज थी, ठीक है। जो सेकेंडरी जॉब, जो मैंने सेकेंड जॉब मेरे को मिली, वो मोबाइल स्टोर पे जॉब थी। जब मेरी मोबाइल स्टोर की जॉब गई ना, तो वो जब गई, जब मैं अपनी फीस भर चुका, तो आई एम ग्रेटफुल कि ऊपर वाले ने मदद करी। सो यही थी वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल करन इन कैनेडा। बाय गाइस।